नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिंह ओंकार महेश्वरी तकनीकी संस्थान के YouTube चैनल में। आज हम आपको ऑटोमोबाइल में प्रयोग होने वाली शीतलन प्रणाली के बारे में अवगत कराएंगे। आशा है आपको पसंद आए। तो हम अपने टॉपिक पे आते हैं। कूलिंग सिस्टम यानी कि शीतलन प्रणाली, जिस प्रकार से मनुष्य के अंदर हीट जनरेट हो जाती है तो उसका माइंड दिमाग डिप्रेशन में चला जाता है, कुछ भी नहीं सोच सकता, कुछ भी नहीं समझ सकता। उसी प्रकार अगर इंजन ऑटोमोबाइल वाहनों में इंजन अगर गर्म हो जाता है तो वह अपनी कार्य क्षमता खो देता है, काफी नुकसान हो सकते हैं उससे, जैसा पार्टों का घिसाव होना, पार्टों का आपस में उलझ जाना, जकड़ जाना, इंजन का स्विच हो जाना। इन सभी समस्याओं को दूर करने के लिए ऑटोमोबाइल वाहनों में शीतलन प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। शीतलन प्रणाली इंजन को कार्यकारी तापमान पर बनाए रखती है, जो दहन के समय हीट जनरेट होती है उनको भी उपयोगी कार्य में प्रयुक्त लेने में भी सहायता प्रदान करती है। तो आइए हम अपने टॉपिक के बारे में विस्तार से पढ़ते हैं थोड़ा। जैसा कि मैंने बताया आपको कि इंजन को कार्यकारी तापमान पर बनाए रखने के लिए जिस प्रणाली का ऑटोमोबाइल वाहनों में प्रयोग किया जाता है उसे शीतलन प्रणाली कहते हैं। दूसरा पॉइंट आता है अपना इंपोर्टेंस ऑफ कूलिंग सिस्टम। कूलिंग सिस्टम की आवश्यकता क्यों होती है? कूलिंग सिस्टम की आवश्यकता इसलिए होती है कि इंजन अपने कार्यकारी तापमान पर चलता रहे। क्यों? इंजन का ज्यादा गर्म चलना भी हानिकारक है, समस्या उत्पन्न कर सकता है। जैसे अगर इंजन ज्यादा गर्म चलेगा तो लुब्रिकेंट जो इंजन में घर्षण को कम करने के लिए प्रयोग किया जाता है वह अपना गुण खो देगा और वह पार्ट्सों पर टिक नहीं पाएगा, फलस्वरूप पार्ट्स आपस में रगड़ के चलने के कारण उनमें घिसावट भी हो सकती है और उनका तापक्रम भी बढ़ सकता है। और आप जानते हैं कि धातु का अगर तापक्रम बढ़ता है तो वह फैलती है, और अगर धातु फैलेगी तो मूविंग पार्ट स्टेशनरी पार्ट्सों में फंस जाएंगे, जिससे अपना इंजन सीज हो सकता है। उसी प्रकार अगर इंजन अधिक ठंडा चलता है तो जो लुब्रिकेंट है वो गाढ़ा हो जाएगा और मूविंग पार्ट्सों तक पहुंच नहीं पाएगा, जिसके परिणाम स्वरूप भी पार्ट्स की घिसावट हो सकती है। इत्यादि समस्या को दूर करने के लिए ऑटोमोबाइल वाहनों में शीतलन प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद में आता है आपका टाइप्स ऑफ कूलिंग सिस्टम। ऑटोमोबाइल वाहनों में प्रयुक्त इंजनों को ठंडा करने के लिए या उनको कार्यकारी तापमान पर बनाए रखने के लिए दो प्रकार की शीतलन प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। पहली है एयर कूलिंग सिस्टम, जिसमें शीतलन का माध्यम हवा होती है, और दूसरा है वाटर कूलिंग सिस्टम, जिसमें शीतलन का माध्यम पानी होता है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एयर
कूलिंग सिस्टम के बारे में। एयर कूलिंग सिस्टम में प्रयुक्त होने वाले वाहनों को प्राय हवा द्वारा ठंडा किया जाता है, उनकी सतह पर हवा को टकराया जाता है जिसके कारण वह ठंडे होते हैं। एयर कूल्ड इंजनों के ठंडा होने के लिए जो निम्न कारक उपयोगी होते हैं वो रहते हैं, हवा की प्रवाह दर, गर्म तथा ठंडी हवा का अंतर और जो धातु जो इंजनों में प्रयोग की जाती है जिनकी चालकता अच्छी हो, जैसे एल्यूमिनियम वगैरह इत्यादि। एयर कूलिंग सिस्टम में प्रयोग होने वाले वाहनों के सिलेंडर हेड तथा सिलेंडर ब्लॉक पर खांचे बना दिए जाते हैं जिन्हें फिन्स कहते हैं। यह खांचे इसलिए बनाए जाते हैं ताकि हवा का क्षेत्रफल बढ़ सके और हवा कुछ समय के लिए इन खांचों में ठहर सके। जिस प्रकार आपको पता है कि भवन निर्माण करते हैं, करने के बाद जब छत की तराई की जाती है तो छत पे मिट्टी के ब्लॉक बना दिए जाते हैं ताकि पानी को कुछ समय के लिए वहां रोका जा सके और बेहतर शीतलन बोल सकते हैं या तराई हो सके। उसी प्रकार वाट एयर कूल इंजनों में फिन्स बना दिए जाते हैं ताकि हवा उनसे टकराए और उनके अंदर कुछ समय रुके। इस प्रकार एयर कूल्ड इंजन में हवा के माध्यम से इंजनों को ठंडा किया जाता है। यह प्रणाली छोटे वाहनों में प्रयोग की जाती है। अब आते हैं वाटर कूलिंग सिस्टम, जल शीतलन प्रणाली। जल शीतलन प्रणाली में इंजन को ठंडा करने के लिए पानी का उपयोग किया जाता है। इन इंजनों में सिलेंडर के चारों ओर एक पानी के गुजरने का रास्ता बना दिया जाता है जिन्हें वाटर जैकेट्स कहते हैं। इन वाटर जैकेट्सों से होकर पानी गुजरता है और इंजन की हीट को अपने अंदर समाहित कर रेडिएटर तक पहुंचा दिया जाता है। इस प्रकार जल शीतलन प्रणाली में पानी के द्वारा इंजन को उसके कार्यकारी तापमान पर बनाए रखा जाता है। ये भी वाटर कूलिंग सिस्टम भी दो प्रकार के प्रयोग किए जाते हैं, एक थर्मोसाइफन वाटर कूलिंग सिस्टम और दूसरा पंप सर्कुलेशन वाटर कूलिंग सिस्टम। आजकल अधिकतर जो प्रयोग किया जाता है वो पंप सर्कुलेशन सिस्टम का प्रयोग किया जाता है जिसके द्वारा पंप के द्वारा रेडिएटर के लोअर टैंक से पानी को खींचकर इंजन सिलेंडर के चारों ओर बने जल मार्ग वाटर जैकेट्स में पहुंचाते हैं और वहां से वह गर्मी, इंजन की जो गर्मी है उसको हम अपने अंदर समाहित कर लेता है और रेडिएटर के अपर टैंक से चला जाता है। वहां यह पानी अपनी गर्मी हवा में छोड़ देता है जिसके कारण अपर टैंक से नीचे के टैंक तक आते जाते पानी ठंडा हो जाता है। बहुत है आपने देखा होगा कि जैसे किसी भी गर्म चीज को अपन जल्दी पीना होता है
तो उसे किसी बर्तन में रख देते हैं, पानी डालकर बर्तन में रखते हैं और उसमें उस दूध है या कोई भी ऐसा पेय पदार्थ है जो गर्म है उसको पीना है, तो हम देखते हैं कि जितनी सतह को पानी स्पर्श कर रहा है वह सतह शीघ्र ठंडी हो जाती है। कारण यह है कि पानी उस बर्तन या उस वस्तु की गर्मी को अपने अंदर समाहित कर लेता है। इसी प्रकार जल शीतलन प्रणाली में भी वाटर जैकेट्सों के माध्यम से जल सिलेंडर के चारों ओर गुजरता हुआ उसकी गर्मी को अपने अंदर समाहित कर लेता है। दूसरी आती है थर्मोसाइफन। ये पुराने टाइम में प्रचलित थी। इसमें गर्म पानी और ठंडे पानी के घनत्व के अनुसार शीतलन होता था, लेकिन इसमें बेहतर शीतलन प्राप्त नहीं हो पाया, जिसके कारण यह प्रणाली अब प्रयोग में नहीं लगी। दोस्तों, आशा है आपको ऑटोमोबाइल इंजन में प्रयुक्त होने वाली शीतलन प्रणाली के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त हुई। अगर आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों और परिचितों में साझा करें और नए नए अनुभव प्राप्त करने के लिए लगातार हमसे जुड़े रहें। धन्यवाद।